अस्सलाम वालेकुम ऑल, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की जो वीडियो है वो है आई लैशेस को कैसे अप्लाई कर सकते हैं इजी वे में। बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स जो हैं वो मुझसे पूछती हैं कि हमें बताएं कि हम कैसे आई लैशेस को अप्लाई करें, हमसे एप्लीकेशन नहीं होती है। अगर हम अप्लाई करें तो वो ज़्यादा देर तक स्टे नहीं करती हैं, या आई लैशेस अपनी जो हैं वो फॉल्स लैशेस के साथ लगने के बाद बहुत ज़्यादा मेसी हो जाती हैं। सो मैं आज आपको बहुत 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 इजी वे में बताऊंगी कि आप फॉल्स आई लैशेज को कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कैसे अपना आई मेकअप इन्हेंस कर सकते हैं। सो आईलाइनर मैंने अप्लाई कर लिया है ऑलरेडी। अब मैं क्या करने वाली हूँ, सबसे पहले मैं अपनी लैशेज को, अपनी रियल लैशेज को मस्कारा लगाकर उसको थोड़ा सा क्लीन करूँगी, ताकि उसके ऊपर अगर कोई आई शेडो है या कुछ भी है वो क्लियर हो जाए। और ये भी इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है पहले मस्कारा लगाना कि आपकी जो फॉल्स आई लैशेज हैं वो मस्कारा लगाने से ख़राब हो जाती हैं। बहुत सारे लोग लगाते भी हैं बट मैं अवॉइड करती हूँ अपनी फॉल्स आई लैशेज को मस्कारा लगाने से, तो मैं इसलिए पहले ही मस्कारा की एप्लीकेशन कर लेती हूँ, देन मैं उसके बाद अपनी फॉल्स आई लैशेज जो हैं उनको लगाती हूँ। सो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, सबसे पहले आई एम टेकिंग दिस मस्कारा। आप कोई भी मस्कारा यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद है, कोई भी ले सकते हैं। सो मैं ले रही हूँ लोरियल का लैश पैराडाइज और इसको मैं अप्लाई करूँगी अपनी लैशेस पे इस तरह से। और सिर्फ मैं अपनी अपर आई लैशेस को ही अप्लाई करूंगी, लोअर लैशेस को मैं बाद में अप्लाई करूंगी, जब मैं अपनी लैशेस को अप्लाई कर लूंगी देन एंड पे। तो अब मैं इसको थोड़ा सा ड्राई होने देती हूँ और फिर मैं लूंगी। और लैशेस लगाने का सबसे पहला स्टेप ये है कि आप लैशेस को लेकर अपनी आई के ऊपर यूं रखिए और चेक कीजिए क्या ये आपकी आंख से बड़ी तो नहीं। अगर ये आपकी आंख के आपकी आंख पे पूरी है देन दैट्स गुड, अदरवाइज आप इसको कट करेंगे। और कट करने के लिए हमेशा आउटर कॉर्नर से कट कीजिए, क्योंकि इनर कॉर्नर मेरे ख्याल से अगर आप इनर कॉर्नर से कट करते हैं तो ये इनर कॉर्नर ऑलरेडी काफ़ी छोटा होता है आपकी अपनी रियल आई लैश के हिसाब से, बिल्कुल ठीक होता है। अगर आप इसको इनर कॉर्नर से कट करेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा और आपकी इनर में हो सकता है कि वो इजीली अप्लाई ना हो। सो हमेशा इसको आउटर से आप कट करेंगे, देन हम इसके बाद इसको अप्लाई करेंगे ग्लू। ग्लू के लिए आप कोई भी ग्लू ले सकते हैं जो आपको अवेलेबल है, जो आप यूज़ करते हैं या जो भी आपको। सो सबसे पहले हम लैशेस को ग्लू लगाएंगे और इस तरह से लैश बैंड पे अच्छे तरीके से ग्लू लगा दीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, लेट इट ड्राई फॉर 2 मिनट्स, देन ये टैकी हो जाएगी तो हम अप्लाई कर लेंगे। अदरवाइज अगर आप इसको ग्लू लगाते साथ ही अप्लाई करेंगे तो ये अप्लाई नहीं होगी। सो चेक दिस आउट गर्ल्स, वाइट ग्लू जो है वो ब्लू हो चुकी है, ये थोड़ी टैकी हो चुकी है विद इन 2 मिनट्स। अगर आप ब्लैक कलर की ग्लू यूज़ कर रहे हैं तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाती है मोस्टली। सो विद इन 2 मिनट्स इट इज़ रेडी फॉर एप्लीकेशन। नाउ यू कैन यूज़ योर हैंड्स और ट्वीज़र, वट एवर यू वॉन्ट, वट एवर ईजी फॉर यू। मैं यहाँ पे ट्विज़र यूज़ कर रही हूँ और इसको मैं अपनी बिल्कुल लैश के साथ ही फेक लैश को रखूँगी, देन मैं इसको फ्रंट से ज्वाइन करूँगी एंड आउटर कॉर्नर से ज्वाइन करूँगी। ये सबसे इजी वे है। जब आपकी लैश जो है वो टैकी हो जाती है तो उसको आप जब अप्लाई करते हैं अपनी रियल लैश के साथ तो वो फ़ौरन से वहाँ पे जुड़ जाती है, एप्लीकेशन फ़ौरन से हो जाती है। अब मैं थोड़ा सा इसको बैक पे अपनी आईज के साथ पुश करूँगी ताकि ये बिल्कुल एक इवनली अप्लाई हो जाए। इस तरह से आपने पुश करना है बैक पे और ये इवनली एप्लीकेशन इसकी हो जाती है। सो इट्स रियली ईजी, डू फॉलो दिस मैथड।
So guys, I am applying eyeliner on my lash band because just to show you, if you are using used lashes or thin band lashes, then you have to apply eyeliner on your lash band because nobody likes wear lashes. Here I am taking mascara and applying on my lower lashes because it looks so good. Your eyes look so big and your eye makeup looks so amazing. For waterline, you can use these three colors, whatever you like, white, nude or black. But I am taking here this nude. और ये रिमल की न्यूड है और मैं इसको अपने वाटरलाइन पे अप्लाई कर रही हूँ बिकॉज आई लाइक न्यूड मोर. हियर इज माय फाइनल लुक आफ्टर पुटिंग ऑन लैशेस एंड यस इट टर्न्स आउट सो 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 अमेजिंग है ना. सो डू कमेंट डाउन एंड डू टेल मी कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और ऐसी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर बताएं. सो टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए.